गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सौंठ की रेसिपी, या फिर इसे इमली की चटनी भी बोल सकते हैं। इसे आप बनाकर एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आप दही बड़े बनाएं तो उसके साथ भी खा सकते हैं। पकौड़ी हो गई, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड रोल्स, इन सभी के साथ में आप इसे खा सकते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सौंठ बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है वो पूरी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर लिख दी है, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है इमली का पल्प और ये लिया है गुड़, इसे हमने गर्म पानी में भिगो दिया था। और ये है सौंठ पिसी हुई, और ये है किशमिश और काला नमक, और ये है हमारा ड्राई खजूर जो हमने पीस लिया था, और ये है मींग। तो सबसे पहले हमने लिया है इमली का पल्प, इसमें हम डालेंगे ये गुड़ का जो पानी है वो। गुड़ को आप पहले ही गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। इसमें डालेंगे हम सौंठ, ये है, ये चाहे तो मिक्सर में पीस लीजिए, चाहे तो सिल पर भी पीस सकते हैं, मैंने सिल पर पीसा था। और इसमें अब हम डालेंगे काला नमक डालेंगे इसमें, और ये ड्राई खजूर है जो मैंने पीसी हुई थी वो है, वो डालेंगे इसमें। किशमिश डालेंगे इसमें, और ये सब चीज़ें डाल दी हैं हमने। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये खजूर है, इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये थोड़ा सा जम गया है तो इसे हम चम्मच से ही इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने एक पतीली को गैस पर गरम करने के लिए रख दिया था, और जो ये मिक्सचर हमने रेडी किया है वो इस पतीली के अंदर डालेंगे हम। गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीरे धीरे आंच पर इसे पकाएंगे हम। तेज़ आंच मत करिएगा, क्योंकि अगर नीचे से जलेगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। धीमी धीमी आंच पर अच्छे से बनती है ये। तो अभी इसमें बॉईल आ जाएगा, तो ये देखिए बॉईल आ गया है। अभी हमें इसे 20 मिनट के लिए और पकाना है, क्योंकि अभी ये पतली दिख रही है, इसका टेक्स्चर थोड़ा गाढ़ा होना है। तो अभी हम वेट करेंगे और इसे अभी ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो पकते हुए अभी इसमें 15 मिनट हो चुके हैं, और देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ये देखिए थोड़ी सी ये गाढ़ी हो गई है। और इसमें हम डालेंगे खरबूजे की मींग, ये बहुत टेस्टी लगती है मींग डालकर। इसे मिक्स करेंगे, और गैस की फ्लेम अभी हमने बहुत ज़्यादा ही धीमी कर दी है। बस कुछ ही देर में हमारी सौंठ रेडी होने वाली है, और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी के साथ सौंठ ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो देखिए 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी सौंठ भी रेडी हो चुकी है। इसे ठंडी हो जाएगी तो इसका टेक्सचर और गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया था, ऊपर से मैंने खरबूजे की मींगे इस पर डालकर मैंने इसे जो है डेकोरेट किया। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही लजीज है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए।
मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल एक चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा। और मैंने लास्ट में भी जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसके लिए वो मैंने आपके लिए अपडेट किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके बाय।